हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू आर चैनल होप डूइंग गुड एंड आज हम बात करेंगे सिरम्स के ऊपर सो so, हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में ना हम कवर करेंगे कि सीरम क्या होता है एंड सीरम को अपने स्किन रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए अगर हम करते हैं तो क्या बेनिफिट होते हैं और अगर हम नहीं करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसीज होती है एंड सिरम uh, हमें कैसे चूज करना चाहिए कि कौन सा सिरम हमारे स्किन के लिए सही है या फिर जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सही करने के लिए कौन सा जो फेस सिरम है वो सही है एंड uh, फिर हम बात करेंगे ब्रांड के ऊपर कि हम कैसे सेलेक्ट करें कि इतने सारे जो सिरम्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर तो उसमें से कौन सा हमारे लिए बेस्ट है ठीक है एंड शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो बेसिकली ना हमारे पास ना कुछ डिफरेंट टाइप्स के सीरम्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर जैसे कि हाइड्रोरिक एसिड फेस सीरम एंटी एजिंग प्रोडक्ट एक्ने फेस सीरम हाइड्रेटिंग सीरम एक्सफोलिएशन सीरम एंड एजिंग के लिए सीरम स्किन वाइटनिंग सीरम रेटिनॉल सीरम एंड मैनी मोर सो जितने भी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं सबके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फेस सीरम्स हैं नाउ कि जो फेस सीरम है वो हमें क्यों यूज करना चाहिए और वो क्या होता है जो फेस सीरम होता है वो बेसिकली एक विस्कस सा एक तरीके का लिक्विड होता है ठीक है एंड उसको हम सीरम बोलते हैं उसके अंदर काफ़ी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि एलोवेरा हनी टर्मरिक, सेफ्रन ऐसे अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं एंड सबका अलग अलग पर्पस होता है सब अलग अलग पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं नीम का भी होता है तिक तुलसी का भी होता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं हर किसी का जो रोल होता है वो अलग रहता है ठीक है सिरम्स को क्यों यूज़ करना चाहिए जब हम मतलब जब हमारी एज छोटी होती है ना तब हमें ना इतना ज़्यादा सिरम्स का जो रोल होता है हमारी स्किन केयर में उसके बारे में हमें इतना पता नहीं होता है क्योंकि हमारी स्किन उस पर बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही होती है एंड हमें एज सच कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं होती है बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ट्वेंटी क्रॉस करते हैं तो या फिर हम ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू क्रॉस करते हैं एंड हम थोड़े बहुत घर के काम के लिए बाहर जाने लगते हैं पॉल्यूशन में जाना शुरू करते हैं हाँ, हम ठीक है सन रेज हम पड़ती है हमारे ऊपर डर्ट पॉल्यूशन सारी चीज़ों से हमारी जो स्किन है वो सफ़र करती है इवन वहाँ पे कपड़ा बांधने के बाद भी हम ये नोटिस करते हैं कि जो हमारे स्किन प्रॉब्लम्स हैं फेस की वो कुछ ना कुछ हो ही जाती है या फिर अगर हम कुछ जंक फूड खा रहे हैं हमारा पेट ख़राब है तो उसकी वजह से भी वो चीज़ स्किन पे हमारे रिफ्लेक्ट करती है एजिंग भी एक फैक्टर होता है और हॉमोनल चेंजेस भी एक फैक्टर होते हैं जिनका असर हमारी फेस के ऊपर आता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें पता लगना स्टार्ट होता है कि हाँ जो सिरम्स हैं वो बहुत मेजर रोल हमारी लाइफ के स्किन रूटीन के अंदर एक्चुअली नट लाइफ प्ले करते हैं ठीक है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरम्स बता दिया मैंने आपको सीरम क्या होता है वो बता दिया सीरम क्यों यूज करना चाहिए वो बता दिया नाउ हमें सेलेक्ट कैसे करना चाहिए कि कौन सा सीरम है सबसे पहले तो ये पता करो कि आपको किस प्रॉब्लम्स के रिलेटेड सीरम चाहिए कि एक्ने के लिए चाहिए एक्ने स्पोर्ट्स को ठीक करने के लिए चाहिए पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए चाहिए ड्राइनेस हटाने के लिए चाहिए आपकी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको सिरम चाहिए सपोज आपको ना बहुत एक्ने को आ, आपको एक्ने के स्पोर्ट्स ठीक करने उसके लिए आपको सिरम चाहिए तो आप सर्च करो कहीं पर भी जाके एक्ने स्पोर्ट रिडक्शन सिरम जो भी सिरम अवेलेबल होंगे आप उनको देख सकते हो मैं क्या करती हूँ जो सबसे सस्ता सीरम होता है मैं वो ले लेती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा ब्रांड औरिएटेड नहीं हूँ तो जो भी अच्छा लगता है जो भी सस्ता होता है जिसमें मुझे ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही होती है और जो थोड़ा जाना माना भी अगर होता है मुझे लगता है कि हाँ यार ये नाम तो सुना हुआ है इसके रिव्यूज अच्छे हैं ठीक है तो मैं वो सिरम उठा लेती हूँ एंड फिर अगर मुझे वो ठीक नहीं लगता और सबसे पहले छोटी क्वांटिटी ट्राई करो एकदम से बड़ी क्वांटिटी ट्राई मत करो अगर बाय चांस वो आपकी स्किन को सूट नहीं किया तो वो पूरा ही चला जाएगा सो ट्राई करो कि टेस्टर्स लिया करो मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी लिया करो ठीक है तो मैं ऐसे ही सिलेक्ट करती हूँ ब्रांड और मुझे कौन सा परचेज करना है सिंपल मैं थोड़े बहुत फीचर्स देखती हूँ जिसमें मेरी प्रॉब्लम कवर हो रही है एडमस उसको परचेज कर लेती हूँ ठीक है एंड जो सीरम्स होते हैं वो लाइक like, हमारी जो स्किन होती है उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि क्या होता है कि जैसे जो सीरम्स होते हैं ना वो हाँ तो क्या होता है ना कि जैसे जो सीरम्स होते हैं ना वो बिल्कुल एकदम पानी के जैसे होते हैं तो बहुत इजी होता है उनके लिए पोर्स के अंदर से हमारी स्किन तक जाके उसको ट्रीट करना हमारी स्किन के अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करना अब जैसे मैं बताती हूँ कि विंटर्स आ गई है तो मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे ड्राइनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मैंने ना फ्लिप कहा कि मैं फ्लिपकार्ट के ऊपर गई एंड मैंने यहाँ पे हनी सीरम टाइप किया तो हनी सिरम में मैंने जब टाइप किया तो मुझे यहाँ पे दिखा टैक का इंटेंस हाइड्रेशन थ्री नाइन्टी एट रुपीज़ का तब तो सस्ता था टू हंड्रेड ट्वेल्व समथिंग का था अभी थोड़े दिन पहले जो हमने परचेज़ किया था तो यहाँ पे डोटिंग के भी है मिनिमलिस्ट के भी है, एंड टी एन डब्ल्यू के भी है, टी एन डब्ल्यू भी अच्छा है सो so, ये जो सारे सीरम्स हैं ये मुझे काफ़ी कॉस्टली लगे तो इसलिए मैंने इंटेंस हाइड्रेशन वाला जो तो सीरम था वो परचेज़ कर लिया था ठीक है फिर उसके बाद में इसके ऊपर ना और वो डिस्काउंट्स भी चलते रहते हैं अभी परसों ही मैं कोई शॉर्ट बना रही थी तो मैंने देखा कि नाइन्टी नाइन रुपीज़ में मिल रहा था ये एंड अभी ये थ्री नाइन्टी एट में मिल रहा है एंड जब हमने परचेज़ किया था उस तो वक्त पे ये टू ट्वेल्व पता नहीं टू ट्वेंटी समथिंग का था तो इसलिए ऐसी चीज़ों को ना कार्ट में ऐड कर लिया करो और ध्यान रखा करो जब भी प्राइस कम हो या आपके बजट पर हो तो उसको परचेज़ कर लो ठीक है सो so, ये वाला सिरम परचेज किया एंड आज इसके बारे में ही हम बात करेंगे ठीक है ये रहा सिरम सो so, हमने परचेज किया है ये टैग का इंटेंस हाइड्रेशन फेस सिरम हनी एंड एलोवेरा इसके अंदर हनी है एंड एलोवेरा है, अब ये हनी वाला एलोवेरा वाला हमने क्यों परचेज किया क्योंकि ड्राईनेस को क्योर करने के लिए हनी एंड एलोवेरा ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छे से आ, काम करती है इसलिए हमने ये वाला सिरम परचेज किया है आपने देखा भी होगा पुराने टाइम में ना जो हमारी दादी पर हुआ करती थीं तो वो लोग ना हनी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे उपटन के अंदर तो वो हनी का यूज़ इसीलिए करते थे क्योंकि जैसे उपटन जो है वो बेसिकली एक्सफोलिएट करने के लिए स्किन को बनाया जाता था ठीक है एंड या, मेरा गया मेरा चक्कू कहाँ गायब हो गया अभी तो मैं लेके बैठी थी वीडियो बनाने से पहले तो उस वो एक्सपोलेशन के लिए उसको यूज किया जाता है ठीक है एंड And... उसको यूज किया जाता है तो फिर ज़रूरत भी होती है कि इतना एक्सफोलिएट कर रहे हैं तो कुछ हाइड्रेशन के लिए भी हो इसलिए हम हनी का यूज़ करते हैं एंड जो एलोवेरा होता है वो हमारी स्किन को काम करता है हम धूप में है, हम जाते हैं हम बाहर जाते हैं हमारी जो स्किन है उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है जो सिरम होता है और अगर उसके अंदर एलोवेरा है तो वो हमारी स्किन को काम डाउन करते हैं उसको शांत करते हैं उससे क्या जो हमारी स्किन है वो रिलैक्स करती है एंड फिर जैसे हम सो के Uh, हमारा जो माइंड है हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं हमारा जो माइंड है वो बहुत तेजी से काम करता है वैसे स्किन भी होती है जब स्किन सोती है सो जाती है जब ठीक है जब हम स्किन को अच्छी अच्छी चीजें देते हैं जब तो वो हेल्दी बनती है वो हेल्दी बनती है तो वो चमकती है तो स्किन की अच्छे से केयर करोगे तो वो चमक चमकती है मतलब ठीक है तो उसकी केयर क्या करो और ये मतलब पहले मैं सिरम्स वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मुझे ये लगता था कि सीरम्स वग़ैरह कुछ नहीं होता है इनको यूज़ करने से कुछ नहीं होता है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर स्किन केयर रूटीन बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि सीरम्स आर वेरी मच एसेंशियल फॉर आवर स्किन रूटीन एंड ये हमने बहुत अच्छा सा छोटा सा प्यारा सा एक सिरम मंगवाया है एंड जिसकी जो पैकेजिंग है आउटरी पैकेजिंग वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है एंड इसके अंदर आपको तीन साल की शेल्फ लाइफ मिलती है और इसका नाम है इंटेंस हाइड्रेशन फेस सीरम और एक्टिव आयुर्वेदा फास्ट एब्जॉर्बशन ऑल स्किन टाइप्स सारे स्किन टाइप्स के लिए है ये मेरी ड्राई स्किन है सो मैं इसको भी यूज़ करूंगी हाउ टू यूज़ आपको टू टू थ्री ड्रॉप्स डायरेक्टली लेनी है अपना फेस धोने के बाद ठीक है और आ, हाथ में लेना और आ, हाथ में उसको हल आ, नहीं हाथ में मत लेना डायरेक्टली ड्रॉपर से अपने फेस के ऊपर लेना और फिर उसके बाद में आप सर्कुलर मोशन में उसको रब करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में ठीक है धीरे धीरे मूव करना तो वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है ये मैंने यूज़ किया हुआ है एंड स्पॉट करेक्शन वाला सीरम ठीक है फिर उसके बाद में आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो उसके ऊपर सनस्क्रीन लगा के आप सनस्क्रीन लगा सकते हो अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते तो आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हो ट्वाइस अ डे आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर ट्वाइस अ डे नहीं कर सकते तो आप एक बार भी दिन में यूज़ कर सकते हो सो दिस इज़ अ सीरम एंड यहाँ पे इसका ये जो मकैनिज़म है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मतलब जैसे कि आपने इसको खोला एंड ये एक तरीके से इनका ड्रॉपर है तो आपने इसके अंदर ले जाकर किया तो देखो ये भर गया और आपने इसको ऐसे किया सी आपने इसको पीछे से दबाया तो ये आपकी स्किन के ऊपर ऐसे फॉल कर जाएगा सी तो ऐसे है तो सिरम है ना ये बिल्कुल पानी जैसा नहीं है मतलब हल्का पानी ही है लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है जब ये पोर्स के अंदर जितना ज्यादा सिरम लाइट होगा स्किन के ऊपर उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा जब ये स्किन के पोर्स के अंदर से अंदर तक जाएगा ना तब ये स्किन को ट्रीट करेगा बहुत अच्छे से सो बिल्कुल पानी भी नहीं है और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है क्लोज टू वाटर है सो ये आ, फास्ट एब्जॉर्ब हो जाता है प्लस सारे स्किन टाइप्स के लिए है मोस्टली ड्राई स्किन वाले पीपल जिनको समर्स में या विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है वो इसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है एंड आपको वन टू टू ड्रॉप्स ही यूज़ करनी है ट्वाइस डे या फिर वन डे इसकी जो क्वांटिटी है वो है थर्टी एम एंड वी हैव परचेज इट फोर रुपीज़ टू हंड्रेड ट्वेंटी एज आई सेड्यू एज आई टोल्ड यू एंड अभी इसकी जो प्राइस है वो थ्री हंड्रेड समथिंग है सी ये अब्जॉर्ब भी हो गया स्किन के अंदर अब ये जो है ये इसकी शाइन है मेरे हाथ के ऊपर कुछ भी नहीं है टू मसाज ये जो है ये इसकी शाइन है तो आप खुद देख सकते हो कितना डिफरेंस है कितना ग्लो एड करता है कितना हाइड्रेशन ऐड करता है एंड मेकअप uh, के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आप मेकअप करते हो तो उस पर्पस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो सीरम तो अप्लाई करते ही है ना कुछ लोग करते हैं सीरम्स सो यू कैन यूज़ इट सो खुशबू बताती हूँ मैं आपको कुछ भी खुशबू नहीं है इसके अंदर विच मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा प्योर है इसके अंदर कुछ भी खुशबू नहीं है हल्की सी सी कॉम्बी फ्लेम के अंदर खुशबू आती है ना बस वैसी सी है दवाई जैसी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर और बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया ठीक है इसके अंदर और कुछ नहीं आया बताने के लिए सो <coughs> so इसका सारा बायोडाटा जो था वो मैंने आपको दे दिया एंड यू कैन गो फॉर दिस सिरम यू कैन ट्राई दिस यू कैन यूज़ दिस यू कैन परचेज दिस और रिसेंटली आई एम लविंग टैक सो यस यू कैन यूज़ इट एंड Thank you so much for watching our video. We hope you liked our video and um, thank you so much. Tada. Enjoy. We'll meet you in next video.